हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो परसों से देश में मंदिर मॉल एहतियात के साथ खुलने वाले हैं। देश के बड़े मंदिरों में कोरोना काल में मंदिरों को खोलने की तैयारी चल रही है। आपको लिए चलते हैं काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर और दिखाते हैं कि वहां पर आखिर किस तरीके से लोग एहतियात बरत रहे हैं। देश भर में 8 जून यानी सोमवार से धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। इन धार्मिक स्थलों में एक प्रमुख नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर का। वाराणसी में प्राचीन ये काशी विश्वनाथ मंदिर काफी दिनों से बंद था। हालांकि यहाँ आरती चल रही थी, लेकिन अब मंदिर खोले जाने की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां काशी विश्वनाथ मंदिर में दिखाई दे रही हैं। अब देखिए कि ये मंदिर का उत्तरी द्वार है। यहाँ से जो दर्शनार्थी हैं वो मंदिर में दाखिल होते हैं और किस तरीके से दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था की जा रही है कि आप देखिए कि मंदिर खुलने से पहले ही किस तरह से जो कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है। लगातार मंदिर के जो अलग अलग जगह है जहाँ पर लोगों का संपर्क होता है उन जगहों पर सैनिटाइजेशन की जा रही है ताकि ये जो जगह है ये मुक्त रहे, कोरोना मुक्त रहे, संक्रमण मुक्त रहे, और इसकी व्यवस्था काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। मेरे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के PRO आशीष सिंह जी हैं। आशीष जी, मंदिर का उत्तरी द्वार है, क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं आप? जी अभी अगर आप चल के दिखा पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूँ। जो 8 तारीख से अभी जो खुलने की संभावना है मंदिर की, उसमें जो सबसे पहला हम लोगों ने नियम जो रखा है दर्शनार्थियों के लिए, उन लोग को जब भी मंदिर में प्रवेश करना है तो उनके लिए मास्क अनिवार्य होगा मंदिर में। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 गज की दूरी पे एक घेरे बनाए गए हैं जिसमें कि दर्शनार्थियों का क्यू लगेगा, और आपके जितने भी दोनों प्रमुख द्वार हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन हम लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं जो आज शाम तक इंस्टॉल हो जाएगी। प्रॉपर हैंड वॉश करके सैनिटाइज करके उसके बाद ही दर्शनार्थियों को मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जितने भी भक्त आएंगे वो इस तरफ से एंट्री उनकी होगी और एग्जिट किधर से होगा? दूसरे द्वार आपका पीछे नंदी हॉल के पीछे से हम लोग उसको एग्जिट देंगे। दो एंट्री अभी दी गई है, रानी भवानी उत्तरी और बद्रीनाथ द्वार से भी एंट्री दी गई है दर्शनार्थियों के लिए। उधर से एंटर होने के बाद वहीं पे सैनिटाइजेशन हो जाएगा। सैनिटाइजेशन हम लोग मेन गेट पे भी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे सैनिटाइजेशन मशीन इंस्टॉल करवाई जाएगी। हैंड वॉश रहेगा, उसके बाद ही उन लोग अंदर मंदिर हैंड वॉश यहाँ पे कराया जाएगा। हैंड वॉश यहाँ पे हम लोग हैंड वॉश रखेंगे और सैनिटाइजेशन के लिए भी हम लोग दोनों गेट्स पे ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन इंस्टॉल करेंगे। जैसे मैं अगर देखूं मंदिर परिसर, हम अंदर तो नहीं जाएंगे सुरक्षा कारणों से, लेकिन अगर इस गेट से दाखिल होने के बाद यहाँ भी आप लोग गोले बनवाएंगे अंदर, ये जो फर्श है मंदिर के अंदर हम लोग एक पेंट करके, बहुत बड़े तो नहीं लेकिन ऐसा रहे जो विजिबल रहे जिसमें दर्शनार्थी उसको देख सकें और एक क्यू उसके अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकें। अंदर भी गोले बने? जी जी। और गर्भगृह के अंदर नहीं कोई जाए? गर्भगृह के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, जो भी दर्शनार्थी आएंगे वो बाहर से सिर्फ उनकी झांकी दर्शन ही होंगे। और आपको बता दें कि धार्मिक स्थल के अलावा मॉल भी 8 जून से खुलने वाले हैं। बेंगलुरु से संवाददाता पिंकी राजपुरोहित एक मॉल में पहुंची और वहां की तैयारियों का जायजा लिया। मैं अलग अलग हिस्सों में मॉल्स भी खुल रहे हैं, ऐसे में मॉल्स को खोलने की तमाम तैयारियां की जा रही है। इस वक्त हम बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड के फिनिक्स मॉल में मौजूद है, जहां की अगर तस्वीरें आपको दिखाए तो आप देखेंगे कि किस तरह से तमाम जो मॉल्स है वो अपनी सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले थर्मल कैमरे के जरिए लोगों का टेम्परेचर जो है वो बिना किसी कॉन्टैक्ट के चेक किया जाएगा। इसके जरिए एक स्क्रीन में लोगों का टेम्परेचर जो है पता लग पाएगा, और किसी का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उन्हें जो है आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप को भी फॉलो करना जो है इंस्टॉल करना काफी जरूरी है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे UV सैनिटाइजेशन। यहाँ पर जो भी जो है कंज्यूमर आएंगे उनको यहाँ पर अपना बैग रखना होगा जो कि UV सैनिटाइजिंग के जरिए सैनिटाइज होगा। अभी क्योंकि ये सारे सिस्टम तैयार नहीं हुए हैं, ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके हाथों में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए ये गन जैसी मशीन है जिसके जरिए टेम्परेचर चेक किया जाता है। लेकिन जैसे ही मॉल्स शुरू हो जाएंगे उसके बाद बिना किसी कॉन्टैक्ट के थर्मल कैमरा के जरिए ही इसे चेक किया जाएगा टेम्परेचर को। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि क्लीनिंग का प्रोसेस भी लगातार चल रहा है। जब मॉल्स खुल भी जाएंगे उस वक्त भी अगर कोई व्यक्ति शॉपिंग करने के लिए पहुंचता है तो उसके बाद अगर वो किसी जगह पर रुकता भी है या कुछ भी मूवमेंट होती है तो वहां पर तुरंत क्लीन कर दिया जाएगा, ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो एलिवेटर यहाँ पे आप देखेंगे कि जगह जगह पर इसी तरह से क्लीनिंग का काम जो है वो चल रहा है ताकि लोगों की सेफ्टी का पूरी तरह से ध्यान रखा जा सके। पहले सेफ्टी नॉर्म्स मॉल्स में कुछ और हुआ करते थे, लेकिन कोरोना काल में ये नॉर्म्स जो है वो कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर इसी तरह से सैनिटाइजिंग का काम बार बार किया जा रहा है। साथ ही जो स्टोर्स है, रिटेल स्टोर्स, उनके भी अपने अलग अलग SOPs है जिनको फॉलो करना कंपलसरी होगा, और जो भी व्यक्ति मॉल के अंदर
घुसेगा तो उसे जो है मास्क के साथ ही अंदर अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा एस्केलेटर और एलिवेटर में आखिर क्या कुछ सुविधाएं हैं जो पूरी तरह सुनिश्चित की गई है, ये भी तस्वीरें आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्यू में लोग खड़े रहे, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है और यही कारण है कि इस तरह की मार्किंग्स यहाँ पर किए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर कुछ टिश्यू पेपर्स रखे गए हैं जिसके जरिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिफ्ट का बटना वैसे करके इसे आप, और यहाँ पर एलिवेटर में अगर आप देखेंगे तो एट ए टाइम सिर्फ 3 लोग अलाउड है, और यही कारण है कि इस तरह की मार्किंग जो है यहाँ पर की गई है। और साथ ही लिफ्ट के भी जो बटन है उसको भी प्रेस करने के लिए टूथपिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका भी इंतजाम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मॉल्स खुलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जब सब कुछ जो है स्टोर्स जो है बंद हो जाएंगे, उसके बाद आखिर किस तरह से सैनिटाइज किया जा सके, क्योंकि कई लोग जो है वो शॉपिंग करने के लिए पहुंचेंगे, और यही कारण है कि मॉल्स में इस तरह की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है ताकि जैसे ही स्टोर्स बंद होंगे उसके बाद पूरे मॉल को सैनिटाइज किया जाए।